नमस्कार जी, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अब अपने घरों में। तो गाइस, मैं आई हूँ सूखा घास लेने, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो दिखा रही हूँ मैं आपको पीछे, ये हमारे बोलते हैं कश्मे, ये हमारे घर के पीछे का व्यू है। मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से, ये राम मेरा सूखा घास, इतना ही सा बचा है, थोड़ा सा ही है बचा हुआ। आजकल हरा घास लाना पड़ता है ज्यादा। गाइस, मैं दिखाती हूँ आपको अपने घर के आगे का व्यू, ये हमारे घर के आगे का व्यू है। वो सामने हमारा विलेज दिख रहा है, बहुत ही अच्छा है। ठंड भी लग रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ना बच्चे खेलते रहते हैं, जो इधर है बच्चे खेलते हैं, गैदरी चीज खेलते हैं। और ये जो इधर है ना हमारे स्थान है, इसको ना खाने बोलते हैं। यहाँ पे ना देखता आता है, देखते कोई स्थान है थोड़ी देर पीछे रखी है, बाकी है ना ये सीखने के लिए रखिए कि इकट्ठा करके रखिए। फिर क्या होती है, ये जलाने के लिए होती है, हम इनको यूज़ करते हैं हमाम के लिए, चूल्हे में भी करते हैं, ज़्यादातर यूज करते हैं हम तो इनको हमाम के लिए। आगे का भी अधिक बताना भूल गई, ये जो थानी है ना देवते की, तो हमारे डीजल बहुत ही माने जाने देवते हैं। और जो सामने ना उनका पेड़ है, इधर को देखो कितना बड़ा है, ये बहुत ही बड़ा है ये। और ये सामने हमारा गांव है, अभी देखो कैसा लग रहा है। और मुझे बताना कि आपको हमारा गांव कैसा लगा, मुझे कमेंट करके बताना। वो सामने दिख रही है चोटियां दिख रही है, थोड़ी सी धुंध है इसमें बट क्लियर नहीं आ रहा है, मौसम बहुत ज्यादा खराब है। शाम के 5 बजे है और वो पीछे से ना लड़के भी आ रहे हैं। हेलो, अभी क्या बन रही है YouTube, हेलो ये हमारे साहिल जी है और ये हमारे दिनेश जी है, ये हमारे बच्चे कर रहे हैं इधर। अभी और भी बच्चे आएंगे, बहुत सारे बच्चे आते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे बच्चे आएंगे, फिर वो अपनी गेम स्टार्ट करेंगे, वो ना गैलरी भी खेलते हैं यहाँ पे। इतने सारे बच्चे थे, कभी ना मैं उनकी वीडियो बनाऊंगी, फिर आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कैसा हमारा व्यू दिखता है, कैसा हमारा विलेज आपको लगता है, हमारी पहाड़ की ज़िंदगी है कैसी लगती है, ये मुझे ना आपने बताना है। तो गाइस, ये जो व्यू दिखा है ये ना डिस्ट्रिक्ट मंडी है, पूरा ये जो डिस्ट्रिक्ट मंडी है, और यहाँ बीच में ना खड्ड पड़ती है और यहाँ से आगे लगती है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। मैं कभी आपको खड्ड दिखाऊंगी बट आज नहीं दिखा पाऊंगी, यहाँ से दिखती नहीं है उतनी। तो ये जो सामने दिख रहे हैं ये हमारे केल के पेड़ हैं और इसमें लगे हैं, इनको बोलते हम कैंथे, और इसे क्या करते हैं हम आग जलाते हैं, हम आम के लिए होती है, बहुत ही अच्छी होती है। तो इनको हम आजकल ना इकट्ठा करके रखते हैं बरसात में, फिर आग जलाने के लिए बहुत ही आसानी होती है हमारे को। तो गाइस, अब दिखाती हूँ आगे वाला बिछलाधार, और जो इससे आगे दिखता है ये आगे को बीच में
दलास भी दिखता है हल्का सा, और इसे पीछे कुटगढ़, और इस साइड को दिखता है नारकंडा कुमासन, और ये लगी डिस्ट्रिक्ट मंडी के एरिया। तो यहाँ से ना चारों चार दिखता है। मौसम देखो कितना ख़राब हो गया है, बादल ही बादल है ऊपर को, इतना ख़राब हो गया कि पूछो मत। गाइस ये जो ऊपर वाली चोटी दिख रही है ना, ये ना टकरासी हिल्स है। यहाँ से पीछे का व्यू इतना अच्छा ना, मैं कभी आपको बताऊँगी जब कभी जाऊँगी ना तो बताऊँगी। देवते का मंदिर भी है यहाँ पे टकरासी नाग का, बहुत ही अच्छा है। मैं कभी बनाऊँगी वीडियो, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो गाइस ये जो जगह है यहाँ पे ना, यहाँ पे इतना अच्छा लगता ना कि जैसे किसी जन्नत में आ गए। इतनी ब्यूटीफुल जगह है ये कि सारे दुख सुख यहाँ पे ना ख़त्म हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे। और मुझे बताना कि हमारे घर के पीछे कभी हो तो आप मुझे बताना कि आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताना मुझे प्लीज़। तो गाइस आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।